बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फ़िलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? रौफ़ुज़ुल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो दोस्तों। जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पिछले 24 घंटों के केसेज बताए गए हैं और इसकी पूरी तफसीलात क्या है आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 9 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अभी 9 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं 3,04,612 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर 8 मजीद रिकवरीज भी हैं, आप लोग देख सकते हैं 3,47 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी होगी है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान किसी पर्सन की डेथ नहीं हुई, सेम डेथ से 4,113 पर्सन की ओमान के अंदर डेथ हो चुकी है। एक पर्सन ऐसा है जो कि ओमान के पिछले 24 घंटों के दौरान हॉस्पिटलाइज किया गया है, 2 मरीज ऐसे हैं जो कि ओमान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटलाइज हैं, और 2 मरीज ऐसे हैं जो कि ICU में दाखिल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो केसेस की तादाद है वो थम रही है और अमवात का लेवल बिल्कुल सिफर हो चुका है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल तौर पर जो हदायत हैं आम सिटीजन्स और रेजिडेंट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वो यही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अभी भी वर्क करके रखना ताकि जो केसेस की तादाद है सल्तनत के अंदर बिल्कुल सिफर हो जाए। अपने आप को इस वायरस से बचाएँ और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएँ। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी, और इंशाल्लाह जैसे और भी जितनी अपडेट्स आती हैं वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। रौफ़ुज़ुल अज़ीम के दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।